हेलो सुपर किड्स, आज हम पढ़ेंगे द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप क्या होता है? शिप होता है एक जहाज, और डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। सो रेगिस्तान का जहाज। सो जिनको नहीं पता, जो ये रेगिस्तान का जहाज होता है वो होता है एक कैमल। कैमल का मतलब होता है ऊंट। सो चलिए हम सब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो जो लाइन होता है शेर, वो रोर करके कहता है दहाड़ के, हु आर यू, कि तुम कौन हो, ये पूछता है शेर। शेर पूछता है किसको? कैमल को। कैमल नीचे देख के लॉयन की तरफ। कैमल कहता है आई एम द शेप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। कैमल कहता है, ऊंट कहता है कि मैं हूँ डेजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज, तुम कौन हो। लायन कहता है कि तुम मेरे को जानते नहीं, मैं इस फॉरेस्ट का, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, किंग हूँ। कैमल कहता हो ओ आर यू, अच्छा। सो वो कहता है कि अच्छा तुम राजा हो। सो जो लॉयन है वो गुस्से में होके फ्राउन करके, मतलब शक्ल बना के कहता है कि तुम अपने आप को डेजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज बुलाते हो, तुम जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक जानवर हो, कि तुम जहाज थोड़ी हो, तुम तो एक जानवर हो। सो ये देखो, ये है शेर और ये है माइटी ऊंट, जो कि है रेगिस्तान का जहाज, द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये देखो कितना बड़ा है ये कैमल और कितना छोटा सा है ये टाइगर। तो जो कैमल है वो स्माइल करके बोलता है सो आई एम, कि मैं हूं, पर लोग मेरे को, मतलब क्या कहते हैं, डेजर्ट का क्या कहते हैं, शिप बुलाते हैं। वैसे तो मैं एक एनिमल हूं, पर लोग मेरे को जहाज इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैं क्या कहते हैं, जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, उसको दोपहर में गर्मी में भी क्या कहते हैं, पार कर लेता हूँ। और जो वहाँ मिट्टी होती है, जो क्या कहते हैं, सैंड होती है, वो मेरे को मतलब बिल्कुल तंग नहीं करती, मेरे को बिल्कुल जलन नहीं होती। लायन कहता है कि मैं नहीं विश्वास कर सकता कि तुम्हें रेगिस्तान में पैरों में गर्मी नहीं लगती। कैमल कहता है कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, वो कैमल शेर को कहता है कि क्या तुम एक रेगिस्तान को पार कर सकते हो। लायन ब्लिंक करके कहता है, अपनी आंखें फड़फड़ा के कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, पर मैं एक फॉरेस्ट को जरूर चला सकता हूँ, मतलब मैं राज जरूर कर सकता हूँ। कैमल डिस्टेन होके, मतलब उसकी तरफ देख के कहता है एवरी एनिमल कैन डू दैट, कहता है कि हर कोई एनिमल रेगिस्तान को पार कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड। सो वो कैमल कहता है कि फॉरेस्ट तो कोई भी चला सकता है, फॉरेस्ट के ऊपर राज तो कोई भी जानवर कर सकता है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं सैंड के ऊपर, मतलब रेत के ऊपर 25 किलोमीटर/hr, 25 किलोमीटर/hr, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड से मैं रेगिस्तान को पार कर पाता हूँ। सो लायन बहुत ही हैरान होके कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर पाते हो कैमल, तुम्हें कैसे इतनी स्पीड से कर पाते हो। सो कैमल शेर को कहता है कि लुक एट माई फीट, ये देखो उसके पैर कितने ज्यादा बड़े हैं, दे आर थिक एंड पैडेड, सो मेरे जो पैर हैं वो बहुत ही ज्यादा मोटे हैं और वो बहुत ही ज्यादा ऐसे सॉफ्ट से हैं, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, सो मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल नहीं जलते वो सन की गर्मी से। सो लायन कहता है कि मेरे पैर भी मतलब नीचे से सॉफ्ट हैं, द थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर/hr। सो लायन कहता है कि जैसे तुम्हारे भी पैर सॉफ्ट हैं नीचे से, मेरे भी पैर सॉफ्ट हैं, जो कील होती है, कील मतलब जैसे कांटे होते हैं, वो मेरे को नहीं चुभते, और मैं 80 किलोमीटर/hr मतलब 80 की स्पीड से मैं भाग सकता हूँ। कैमल कहता है ये तो सच बात है, तुम 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग तो सकते हो, पर क्या तुम 1 भी किलोमीटर रेत के ऊपर भाग सकते हो, गर्म रेत के ऊपर। लायन कहता है शायद से नहीं, पर तो कैमल बीच में ही उसको कहता है कि और तुम बिना पानी के 1 हफ्ते तक भी नहीं रह सकते, क्या रह सकते हो। सो लॉयन कहता है कि नहीं, मैं पानी के बिना तो नहीं रह सकता, मेरे को रोज पानी चाहिए होता है, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। सो लॉयन कहता है कैमल को, पर तुम तो नहीं, तुम भी तो थोड़ी पानी के बिना रह सकते होगे, कैमल थोड़ी पानी के बिना रहेगा। सो कैमल कहता है कि हाँ मैं बिना पानी के रह सकता हूँ, देर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट। सो कैमल कहता है कि
वहां रेगिस्तान में कोई रिवर या फिर लेक थोड़ी होती है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, पर मेरे को उस बात से फर्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, सो मैं जो पानी है वो 200 बोतलें पानी की एक साथ पी सकता हूँ। मतलब वो कितना ज्यादा पानी एक ही टाइम पे पी सकता है। सो लॉयन कहता है कि अरे तुम तो बहुत ही बड़ा पेट है तुम्हारा जिसमें तुम इतना सारा पानी रख सकते हो। कैमल बड़े ही प्राउडली कहता है, मतलब बड़े ही गर्व के साथ कहता है, यस आई हैव अ बिग स्टमक, मेरा बहुत ही बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते तक पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता हूँ। एंड आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, और मैं 2 हफ्ते तक बिना खाए रह सकता हूँ। लायन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कहता है, डू यू स्टोर योर फूड इन योर स्टमक, कि तुम अपना खाना भी अपने पेट में स्टमक में स्टोर करते हो। सो कैमल कहता है, नो आई डोंट, कि नहीं मैं अपने स्टमक में नहीं स्टोर करता, मैं अपने हम्प के अंदर स्टोर करता हूँ। जो उसका हम्प होता है वो होता है उसके पीठ के ऊपर, जो ये ट्राइंगल सा बना होता है, एक सेमी सर्कल सा, यहाँ पे वो अपना खाना स्टोर करके रखता है। सो वो कहता है, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक साथ बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। फिर मेरे को मतलब अपना 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लायन कहता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पर तुम खाते क्या हो? कैमल कहता है, मैं पत्ते खाता हूँ, पर डेजर्ट में, रेगिस्तान में कोई पत्ते नहीं होते हैं। सो लॉयन पूछता है कि तुम फिर खाते क्या हो वहां पे? कैमल कहता है कि वहां पे थॉर्नी बुशेज होती हैं डेजर्ट में। थॉर्नी बुशेज मतलब वो कीलों वाली बुशेज। आई ईट द थॉर्न्स, मैं वो जो कांटे होते हैं उनको भी खा लेता हूँ, जो वो कांटे होते हैं, लेकिन वो मेरी थिक टंग को नहीं चुभते, क्योंकि मेरी जो टंग है, जो मेरी जीभ है, वो बहुत ही ज्यादा मोटी है। लायन कहता है, अरे ये तो बड़ी हंसने मतलब फनी बात है। कैमल कहता है, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आप जो राजा हैं मेरे साथ आइए डेजर्ट में, चलिए रेगिस्तान में चलते हैं एक साथ। सो लायन कहता है, नहीं आई बेटर नॉट, नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। आई कैन नॉट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं ना तो मतलब क्या कहते हैं, गर्म रेत के ऊपर चल सकता हूँ, और मैं अपना खाना और पानी भी नहीं स्टोर करके रख सकता, और ना ही मैं कांटे को खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक, गुड बाय मतलब बाय बाय मिस्टर कैमल, एंड गुड लक, और यू आर मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, जो आप रेगिस्तान के जहाज हो, मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, सो बाय बाय एंड गुड लक अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए, आपकी यात्रा शुभ जाए। सो ये थी अच्छी सी कहानी अबाउट द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कि होता है एक कैमल, एक ऊंट। सो अगर आपको भी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरी तरह, सो आप कर दीजिए सब्सक्राइब, अगर आप और ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनना चाहते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब पहले ही कर चुके हैं, सो अपने दोस्तों को भी बताइए अंडे के फंडे के बारे में, कि कैसे वो भी बन सकते हैं आपकी तरह एक सुपर किड। और अगर आपने अपने दोस्तों को भी बता दिया है, सो अब आप कर दीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से टैप टैप टैप, अगर आप हम सब सुपर किड्स के साथ चलना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट एडवेंचर पे, और हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह। सो अगर आप भी हमारे साथ आना चाहते हैं, तो आप फटाफट से कर दो अपनी स्क्रीन के बीच में जो वीडियो है उसके ऊपर टैप टैप टैप, और आप पहुंच जाएंगे हम सबके साथ इन आर नेक्स्ट एडवेंचर। सो ओके सुपर किड्स, आई विल होप दैट यू ऑल विल कम विद अस ऑन आर नेक्स्ट एडवेंचर। टैप टैप टैप।